Hello students, welcome to the online class of City Group of Colleges. We are going to study about business communication and office management. हम लोग unit 2 में discussion कर रहे हैं. पिछले lecture में हमने unit 1 में discuss किया था verbal और non-verbal communication के बारे में. साथ ही साथ हमने जाना था oral और written communication के बीच में क्या differences होते हैं, कौन कौन से possible differences हैं और किस तरीके से दोनों के बीच में जो basic changes होते हैं वो consider किए जाते हैं. और हम जब भी किसी ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं, तो उसमें दोनों तरीके के कम्युनिकेशन कितना इम्पैक्टफुली वर्क करते हैं और कैसे एक प्रभाव डालते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि एक बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है. इस लेक्चर में हम जानेंगे समराइजिंग द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज, यानी कि किसी भी फर्म या कंपनी की साल भर में एक बार जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, उनको किस तरीके से समराइज किया जाता है, उनमें कौन कौन से कंटेंट्स डिस्कस किए जाते हैं और कैसे उनको कंक्लूड किया जाता है. देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूनिट वन में हमने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कशन किया और हमने ये भी जाना कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं और किस तरीके से रिपोर्ट वर्क करती हैं और रिपोर्ट का किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है. रिपोर्ट बेसिकली किसी भी कंपनी के बारे में एक डिटेल ब्यौरा देती है, एक डिस्क्रिप्शन देती है, जिसमें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन और इसके साथ ही साथ उसकी प्लानिंग्स और उसके पैटर्न के बारे में बात किया जाता है. साल भर में कोई भी कंपनी किस तरीके से अपने फाइनेंशियल एनालिसिस करती है, किस तरीके से उसका सेल्स एस्पेक्ट होते हैं या फिर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो भी उसका क्राइटेरिया होता है, वो पूरा ही एक डिटेल फॉर्मेट में रिपोर्ट में समराइज किया जाता है, एक रिपोर्ट में उसको मेंशन किया जाता है. इसी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब अपनी रिपोर्ट लॉन्च की जाती है या रिपोर्ट साल में एक बार जो है प्लेटफॉर्म पे लाई जाती है, तो उसमें वो तमाम डिस्क्रिप्शंस दिए गए होते हैं जो कि एक फर्म के बेनिफिट को लेकर के, फर्म की स्ट्रेटजीज को लेकर के और फर्म द्वारा अभी तक लिए गए डिसीजंस को लेकर के समराइज किए जाते हैं. ये समराइजिंग ऑफ रिपोर्ट कई तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होती है और साथ ही साथ ये रिपोर्ट एक तरीके का इनिशिएटिव होती है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि नए तरीके से या नए सिरे से अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स की शुरुआत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इन्हीं रिपोर्ट्स का सहारा लेकर के अपनी आने वाली फॉर्म के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एक आउटलाइन तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं और इस प्लान के जरिए वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो कि पिछली फॉर्म्स द्वारा लिए गए थे और भविष्य में जो है कौन कौन से स्टेप्स उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. पास्ट रिपोर्ट्स को उठा करके प्रेजेंट रिपोर्ट में प्रिपेयर करना, प्रेजेंट टास्क के लिए उसका इनिशिएटिव लेना और उसको फ्यूचर के लिए तैयार करना, किसी भी रिपोर्ट का यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट समराइजिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी. समरी की बात करते हैं. एनुअल रिपोर्ट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स डिजाइंड टू प्रोवाइड रीडर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस इन द प्रीसीडिंग ईयर्स. देखिए, यहाँ पर जो कंपनी की रिपोर्ट्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि कोई भी एनुअल रिपोर्ट पिछले साल कंपनी ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको पूरा करने का प्रयास किया और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले सालों में, इसके बारे में रिपोर्ट डिफाइन करती है और रिपोर्ट इसी चीज़ के बारे में जानकारी देती है. द रिपोर्ट्स कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज परफॉर्मेंस हाइलाइट्स. ये बताती है कुछ इन्फॉर्मेशन को, जैसे परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, यानी कि क्या परफॉर्मेंस फर्म की रही पिछले साल में. अ लेटर फ्रॉम CEO, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का लेटर जो कि इंफॉर्मेशन देता है फर्म के डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, साथ ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, किस तरीके से यूज किया गया, इसके बारे में बताता है. इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर फ्यूचर ईयर्स, अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेजेंट में फॉर्म ने क्या क्या अचीव किया है और भविष्य में उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बारे में ये बताने का प्रयास करती है. इसीलिए यहाँ पर हम एक समराइज रिपोर्ट किस तरीके की हो सकती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं.
व्हाट डज एनुअल रिपोर्ट कंटेन्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि एक एनुअल रिपोर्ट जब समराइज की जाती है तो आखिर वो क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने साथ रखती है, यानी कि कौन कौन सी ऐसे इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जो कि उस रिपोर्ट में समराइज किए जाते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक। एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इट्स रीडर्स हु विल बी एबल टू गेट अ गुड ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। एनुअल रिपोर्ट अपने सिग्निफिकेंट रीडर्स को एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी के बारे में, कंपनी के ओवरव्यू के बारे में कि आखिर पिछले साल में कंपनी ने ओवरऑल क्या एक पॉसिबली अच्छा रिस्पांस मार्केट में गेन किया और कैसी उसकी परफॉर्मेंस पिछले साल बाजार में रही थी। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मैनी एनुअल रिपोर्ट्स आर नॉट ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर एक बात मेंशन की गई है, इन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स इस तरीके की नहीं होती हैं जिनमें टेक्स्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कंटेंट के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जाए, ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स की तरह इनको मेंशन किया जाए। अब ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो तैयार की जाती हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है वो बहुत ही कंसाइज, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि रिपोर्ट में समराइज फॉर्म में रखा जाता है ताकि लोग केवल एक ओवरव्यू ले सकें और ओवरव्यू लेने के बाद ही अंदाज़ा लगा सकें फर्म की एफिशिएंसी का या फर्म ने पिछले साल में कैसा रिस्पांस किया, इसके बारे में जानकारी उनको मिल सके। मैनी कंपनीज ऑफन इनकम्प्लीट अ लॉट ऑफ ग्राफिक एंड इमेजेस रिजल्टिंग इन द विजुअली अपीलिंग डॉक्यूमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी फर्म्स या कॉरपोरेट्स वो ग्राफिक्स और इमेजेस को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं साल भर में कंक्लूड की गई रिपोर्ट्स के बारे में कि उन्होंने पहले कहाँ से शुरुआत की और फाइनली कहाँ तक पहुँचे। तो ये फोटोग्राफिक या फिर विजुअल या फिर किसी इस तरीके के विजुअल अपील के जरिए जो है शो किया जाता है उस रिपोर्ट के अंदर कि पहले फर्म की एफिशिएंसी क्या थी, अभी फर्म की एफिशिएंसी क्या है और इनके बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस आए हुए हैं। तो लोग रिपोर्ट्स को पढ़ते समय इस बात से कॉन्शियस हो जाते हैं कि रिपोर्ट में जो विजुअलाइज किया गया है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये एक एनालिसिस होती है जो रिपोर्ट के बारे में बताती है। द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट अनडाउटली विल वेरी अकॉर्डिंग टू ईच कंपनी, यानी कि हर कंपनी के हिसाब से रिपोर्ट डेफिनेटली चेंज होती हैं। अलग अलग फर्म्स, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसकी रिपोर्ट्स अलग होंगी, कोई कंसल्टिंग फर्म है उसकी रिपोर्ट अलग होगी, कोई फाइनेंशियल फर्म है इसकी रिपोर्ट अलग होगी। इस तरीके से अलग अलग फर्म के साथ रिपोर्ट्स के साथ फर्म वर्क करती हैं। बट मोस्ट एनुअल रिपोर्ट्स विल जनरली कंटेन दी फॉलोइंग कंटेंट, यानी कि जो एनुअली रिपोर्ट्स होती हैं वो निम्नलिखित कंटेंट्स जो हैं वो कंटेन करती हैं रखती हैं अपने पास। कौन कौन से होते हैं? अ लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट या सीईओ, सीईओ या प्रेसिडेंट का एक लेटर रखती हैं। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी कि पिछले साल के जो प्रीसीडिंग ईयर्स होते हैं उनकी जो हाइलाइट्स होती हैं उनको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड परफॉर्मेंस एंड ओवरलुक फॉर फ्यूचर ईयर्स, और भविष्य में उनके क्या परफॉर्मेंस होने वाली है या उसका क्या आउटलुक है इसकी बात करते हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट कि कौन कौन से कंटेंट हैं, उनका क्या क्या रोल है। द फर्स्ट थिंग इज, ये बात करते हैं लेटर फ्रॉम द सीईओ। यहाँ पर एक रिपोर्ट में सीईओ का लेटर जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर प्रेसिडेंट का लेटर जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आखिर इसका क्या रोल होता है इसके बारे में बात करते हैं। द लेटर फ्रॉम द सीईओ इज एड्रेस्ड टू द शेयर होल्डर एंड प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस ईयर। सीईओ टिपिकली स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर लेटर टू हाईलाइट द कंपनीज अचीवमेंट्स एज इट्स परफॉर्मेंस इज रिलेटिव टू द इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स इन। The letter would likely mention the information of interest to shareholders since they are the primary readers of the report. देखिए यहाँ पर जो CEO का letter है वो क्यों important होता है किसी भी report के लिए, उसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि CEO इसको लिखने में एक लंबा समय खर्च करता है और बहुत ही key points जो है वो इसमें रखता है अपनी रिपोर्ट में अपने मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि इन रिपोर्ट्स के सबसे पहले जो रीडर्स होते हैं वो बेसिकली कंपनी के ही शेयर होल्डर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं
जो प्रायर बेसिस पे इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और वो आखिरकार ही यही जानने का प्रयास करते हैं कि जिस फर्म के हमने शेयर खरीदे हैं या जिस फर्म के हम शेयर होल्डर्स हैं उसकी मार्केट में एफिशिएंसी क्या है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स क्या हैं। इनको जानने के बाद ही ये एक बेहतर रिस्पॉन्स इनको मिलता है। और जो भी सीईओ का लेटर होता है वो चूंकि इन्हीं की पॉइंट्स पे मेंशन किया गया होता है, तो इन की पॉइंट्स के ऊपर शेयर होल्डर्स की खास तौर पे नज़र होती है, जो कि उनके लिए एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्रिएट करते हैं ताकि आगे आने वाले समय में भी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें और इससे बेनिफिट ले सकें। ये एक पॉजिटिव अप्रोच को डिटरमाइन करता है हाउ अ सीईओ कैन क्रिएट अ पॉजिटिविटी विद शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। इसके बाद ये रिपोर्ट कई और लोगों तक जाती है, आम इंसान भी इन रिपोर्ट्स को पढ़ता है, वो भी एक कंपैरेटिव स्टडी करता है पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें कि वो जानने का प्रयास करता है कि आखिर फर्म ने कितना बेहतर रिस्पांस दिया है और क्या क्या अचीव किया है। सेकंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है परफॉर्मेंस हाईलाइट्स, यानी कि परफॉर्मेंस हाईलाइट्स किस किस तरीके से मेंशन की जाती हैं। एनुअल रिपोर्ट यूजली डेडिकेट अ सेक्शन टू हाईलाइटिंग सम ऑफ द कंपनीज की अचीवमेंट्स सच एज स्पेशल इनिशिएटिव्स, गोल रीच्ड और अवार्ड रिसीव्ड बाय द कंपनी और इट्स एम्प्लॉय। साथ ही साथ द मेन गोल ऑफ दिस सेक्शन इज टू एंश्योर दैट शेयर होल्डर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनी एंड परसुएड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू डू द सेम। देखिए, परफॉर्मेंस हाइलाइट्स को यहाँ पर जरूर बताया जाता है कि कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस रही है। इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स इस फर्म को देखते हैं उनको ये जताया जाता है कि उनका इन्वेस्टमेंट इस फर्म में गलत नहीं है, और साथ ही साथ उनको एक मोटिवेशनल अप्रोच प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दूसरे लोगों को भी सही सजेशन दे सकें कि वो लोग भी इस फर्म में इन्वेस्ट करें, ताकि फर्म का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर जो है फर्म को सपोर्ट करने वाले लोग लाइमलाइट में आए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस हाइलाइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी रिपोर्ट में, जबकि उसको समराइज किया जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रिपोर्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो व्हाट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। So let us discuss about it. We need to know about financial statement of the firm especially. Financial statements are key components of the annual report and provide its users with quantitative data regarding specific aspects of its financial performance in the previous fiscal years. देखिए, financial statement एक financial data को बताता है, firm ने पिछले साल में क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए थे, क्या क्या बेनिफिट्स कहाँ कहाँ से अर्न किए थे, और ओवरऑल क्या इन्वेस्टमेंट्स या फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक क्लासिफिकेशन होता है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो फर्म की ओवरऑल बेनिफिट क्या रहा, इसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी जाती है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि क्योंकि ये क्वांटिटेटिव कंसिड्रेशन होता है, यानी डेटा बेस्ड कंसिड्रेशन होता है, तो जो भी व्यूअर्स या जो भी रीडर्स इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं, तो उनके सामने जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस को दिखाता है, तो पिछले सालों की रिपोर्ट्स का एक कंपैरेटिव स्टडी उनके सामने एक ओवरलुक ला करके रख देता है, जिसमें वो ये क्लियरली समझ सकते हैं कि पहले कंपनी कितना बेनिफिट गेन कर रही थी और अभी कंपनी कितना बेनिफिट गेन कर रही है या मार्केट से कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो इसके जरिए लोगों के बीच में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जनरेट होती है, लोग मोटिवेशनल अप्रोच डेवलप कर लेते हैं, दूसरों को इंसिस्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और एक फ्यूचर प्लान आसानी से तैयार हो जाता है फर्म के लिए। एनुअल रिपोर्ट्स टिपिकली इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज बैलेंस शीट्स। सॉरी फॉर दैट। देखिए, एनुअल रिपोर्ट में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट डेवलप की जाती है, इनकम स्टेटमेंट्स डेवलप कर दिए जाते हैं एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डेवलप किया जाता है। इस तरीके से बैलेंस शीट के जरिए, इनकम स्टेटमेंट्स के जरिए और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के जरिए एक पूरा ग्राफिकल अप्रोच अपने व्यूअर्स के सामने कंपनी निकाल करके रख देती है, जो कि कंपनी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलप करने में और लोगों के बीच में इस रिपोर्ट को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियली पढ़ने के और समझाने के तौर पर। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं, अगले टॉपिक में बात करते हैं,
ओवरलुक द फ्यूचर ईयर्स, यानी कि भविष्य में देखने वाली बात, भविष्य में इनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं देखने के लिए, कौन कौन से आस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर कि ये बात कर सकते हैं। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि एनुअल रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन द कंपनीज फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ ही साथ इस एनुअल रिपोर्ट में एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ये दी जाती है कि भविष्य में कौन कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिटरमाइन किए हुए हैं, इनके बारे में बताया जाता है, जिसको कि ये भविष्य में तैयार कर सकें, जिसके बिहाफ पे डेवलप हो सकें। इन्वेस्टर्स आर एबल टू गेट अ थॉट अंडर इज थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज करेंट पोजिशन। इसके साथ कंपनी की करेंट पोजिशन के बारे में बात करते हैं और साथ ही बेहतर डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से पोजीशन इनकी भविष्य में तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि फॉर्मेट की बात है। सॉरी फॉर दिस। फॉर्मेट की बात करते हैं। व्हाइल हार्ड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स आर स्टिल कॉमन, इलेक्ट्रिक वर्जन्स आर इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड कैन बी फाउंड ऑफ वेबसाइट्स ऑफ मेनी कंपनीज। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स भी इस रिपोर्ट के अवेलेबल होते हैं और इनके ज़रिए ये रिपोर्ट्स जो है अच्छे से तैयार करके फ्लो कराई जाती हैं, इन्फ्लुएंशियली इनको फ्लोट करा दिया जाता है। इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर द इंटरेक्टिव ऑनलाइन रिपोर्ट्स विच अलाउज यूजर्स टू वर्चुअली फ्लिप थ्रू द रिपोर्ट एंड एक्सपेंड ग्राफिक्स अमॉन्ग अदर थिंग्स। इनमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जब डिजिटली कोई रिपोर्ट तैयार होती है तो आप कहीं भी रह करके आसानी से पढ़ सकते हैं। मोबाइल्स लैपटॉप्स के जरिए इन रिपोर्ट्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क करती है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है अपने व्यूअर्स और रीडर्स को। अब बात करते हैं हु यूज एनुअल रिपोर्ट्स, कि आखिर ये एनुअल रिपोर्ट्स कौन यूज़ करता है। तो देखिए एनुअल रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का और ये किसी भी पर्सन के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये रिपोर्ट बहुत ही इन्फ्लुएंशियली यूज़ की जा सकती है शेयर होल्डर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के द्वारा। शेयर होल्डर्स यानी वो लोग जो कंपनी में हिस्सेदार होते हैं वो इस रिपोर्ट को यूज़ करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, कंपनी के प्लस माइनस पॉइंट्स देखते हैं और अच्छे पॉइंट्स को अगर बेनिफिशियल होते हैं तो उनको भविष्य में फ्लो कराने के लिए मदद करते हैं और साथ ही साथ दूसरे इन्वेस्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि आप इस फर्म में इन्वेस्ट कीजिए, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा और उसके बदले में वो उनको ये रिपोर्ट शो करते हैं कि इस रिपोर्ट के ज़रिए और पिछली रिपोर्ट्स के ज़रिए वो एक एवरेज परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और बेहतर रिस्पॉन्सेज देने का प्रयास करते हैं। फिर आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो शेयर होल्डर्स के अलावा इस फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट एक संजीवनी का काम करती है क्योंकि रिपोर्ट में पिछले कुछ सालों में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये हर साल की रिपोर्ट्स को कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे यूज़ करते हैं और फर्म की जो भी एफिशिएंसी निकल करके सामने आती है उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टर्स इस फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि फर्म के जो भी डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सही टाइम पर पूरे हो सकें, फ्यूचर प्लान्स डेवलप किए जा सकें और साथ ही साथ बेहतर और इफ़ेक्टिव लोग इसके साथ जुड़ सकें, तो ये रिस्पॉन्स फर्म को देखने को मिलता है। नेक्स्ट होते हैं एम्प्लॉयज़। तो देखिए जो उस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनका भी बहुत अहम रोल होता है। रिपोर्ट उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि किसी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर के लिए होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑफन यूज़ द एनुअल रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंपनीज डिफरेंट फोकस एरियाज। मैनी एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन पार्ट, और इसके साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयज़ का जो एक इंसेंटिव आस्पेक्ट होता है वो भी इस रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्ट जितनी बेहतर तरीके से लिखी जाती है, जितना भी उसमें रेवेन्यू का पॉइंट क्लियरली मेंशन किया जाता है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक तरीके से इंसेंटिव का वर्क करता है। लोगों के द्वारा की गई मेहनत, एम्प्लॉयज़ के द्वारा की गई मेहनत इस रिपोर्ट में क्लियरली निखर करके आती है और इस रिपोर्ट के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को बेहतर सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर के इंसेंटिव तक के आस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पर्सन जो कि इस रिपोर्ट को पढ़ता है और काफ़ी इफेक्ट डालता है, वो होता है कस्टमर। तो देखिए कस्टमर्स जो कि
हमारे इफेक्टिव कस्टमर्स थे, पहले ही जुड़ चुके थे, शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं, इम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे जो है एनालिसिस करते हैं। अब बात आती है कस्टमर्स की। जब ये रिपोर्ट्स तैयार होती हैं तो ये आम कस्टमर के लिए इजीली ओपन हो जाती हैं, और चूंकि ये आम कस्टमर के लिए ओपन होती हैं तो आम कस्टमर भी इन रिपोर्ट्स को पढ़ करके इन कंपनीज के पॉजिटिव पॉइंट्स को रीड करता है, इनकी क्वालिटी एफिशिएंसी समझता है, इस कंपनी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेता है और एनुअल रिपोर्ट्स के जरिए हर साल ये जानने का प्रयास करता है कि कंपनी ने अब कितना बेहतर रिस्पांस दिया है। तो ये कस्टमर भी एक इफेक्टिव इन्वेस्टर बन सकता है किसी भी फर्म का, और साथ ही साथ शेयर होल्डर भी बन सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये रिपोर्ट्स ऑथेंटिक तरीके से उतारी जाएं और इनमें सारे वो पॉइंट्स कवर किए जाएं जो कि कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को और एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से स्ट्राइक कर सकें। सो इन दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर, और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कभी भी क्वेरीज कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।